नमस्कार। पहले ये कहिए कहाँ थे आप? मैं तुम क्यों हंस रही हो? मैं कर रहा था किसी का इंतजार, किसको, जिसको मैं करता था मिन्नते बार बार। कैसे ऐसे डिंग डोंग डिंग। ओके, सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आज के वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि जो एरोस्पेस होता है, जो स्पेस यान होता है जिसपे साइंटिस्ट लोग बैठ के स्पेस में जाते हैं रिसर्च करने, या रॉकेट जो बनाए जाते हैं, उसमें एक खास प्रकार के प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। उसका एक प्रोडक्ट आज हमारे हाथ में है, जो कि मैंने नासा से बड़े ही मुश्किल से मंगवाया है। इसको बोलते हैं पायरोजेल। ठीक है, नासा से मंगवाने के लिए मैंने बहुत ही मशक्कत करना पड़ा मुझे दो चीज़ें उन्होंने मुझे दे दिया था, लेकिन तीसरे के लिए मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट किया और उसके लिए मैंने अच्छा खासा ईमेल लिखा, तब जाके उन्होंने हमको एक भेजा है। तो आज के वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं कि एरोस्पेस में इस्तेमाल तो हजारों चीज़ें होती हैं, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। उसमें से एक चीज़ होता है पायरोजेल, इसको हम अगले वीडियो में बताएंगे। और आज के वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं ये। तो जानते हैं कि न सिर्फ एरोस्पेस बल्कि जितने भी एरोप्लेन बनते हैं आजकल के डेट में, उस समय इस टाइप के एक कपड़े का इस्तेमाल किया जाता है। इस सीट के लिए, जिसको हम पायरोजेल बोलते हैं, इस सीट के लिए हमने उसको बहुत स्पेशल रिक्वेस्ट किया था कि हमको जो एजुकेशन पर्पज से चाहिए। मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है लाइव एट होम, मैंने उनको लिंक भी भेजा था, आप यहाँ से देख सकते हैं। रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने हमको फ्री में एक टुकड़ा भेज दिया है। तो इस टुकड़े को बोलते हैं पायरोजेल। अब हम बात करते हैं कि जब भी एरोस्पेस बनता है तो उसमें तीन मुख्य चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। नंबर वन, उसमें जितने भी सामान इस्तेमाल होते हैं उसका वजन कम होना चाहिए। ठीक है, अगर आप हैवी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, जैसे लकड़ी लगा दें या लोहा लगा दें, तो पता लगा उसका वजन बढ़ जाएगा, तो उसको जो है धोने में उतने ज़्यादा ईंधन की आवश्यकता पड़ेगी। नंबर टू, कि वह ज्वलनशील नहीं होना चाहिए, अगर उसमें आग लगा दो तो आग नहीं जलना चाहिए। नंबर तीन, की वो जो है हीट का कंडक्शन कम से कम हो है, नहीं होना चाहिए, न के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो हम एक एक करके तीनों को बात करेंगे और आपको इस वीडियो में बताएंगे ये बनता कैसे है। मैं आपको असफल तरीके से बनाने का प्रक्रिया भी समझाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले इसको खोलते हैं। मैंने अभी जब से आया मैंने कभी खोला भी नहीं। ठीक है, ओह माय गॉड, ये जो उड़ रहा है ये है पायरोजेल। दरअसल में ये एक तरह से सिलिका का बना होता है। ठीक है, ओके, इसको आप देख सकते हैं कि इसमें से जो है थोड़ा सा डस्ट निकल रहा है। ये जो डस्ट है इसको बोलते हैं एरोजेल। ठीक है, और इसकी वजह से मैंने मास्क लगा लिया था, अगर क्योंकि इसमें सिलिका भी मिला हुआ है तो सिलिका थोड़ा बहुत नुकसान कर सकता है इसको, जिसको कभी कभी इसको सिलिकोसिस नामक बीमारी होती है, उससे हो सकता है। इतना सिलिका तो हर जगह पाया जाता है, सबको होता नहीं, लेकिन फिर भी मैं पहन लिया प्रोटेक्शन के लिए। तो आप इसका वजन देख लीजिए सबसे पहले, कि ये बहुत हल्का है। ठीक है, ये बहुत ही हल्का है। और दूसरी चीज़, इसको आप आसानी से मोल्ड और फोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जब भी एरोस्पेस बनता है, एरोस्पेस में ले जाने के लिए जो मुख्य, पहले इसको बंद कर देता, बहुत इसमें से सिलिका निकल रहा है बाहर। ठीक है, इसका वजन जो है हल्का इसलिए होता है क्योंकि इसका जो है 97% इसमें एयर होते हैं। ठीक है, तो 3% ही इसमें जो एरोसेल और सिलिका का फाइबर जो बना होता है उसका पार्ट होता है। ठीक है, और अब हम बात करते हैं कि हीट कंडक्शन इसमें कम क्यों होता है। इसका जो कंडक्शन है हीट का बहुत स्लो होता है और न के बराबर होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका जिसमें ढेर सारे माइक्रोस्कोपिक एयर होते हैं, और वो एयर जो है जब भी कोई हीट इसके पास जाता है, अभी मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा, तो उसमें क्या होता है कि आपको पता है कि हीट का जो ट्रांसफर होता है, कंडक्शन होता है, दो प्रकार के होते हैं, कन्वेक्शन और कंडक्शन। कन्वेक्शन का मतलब होता है कि जब भी गैस को आप गर्म करते हैं एक जगह से, तो हवा के मॉलिक्यूल जो है गैस के मॉलिक्यूल इस तरह से हिलने लगते हैं, फिर पड़ोसी को हिलाता है, फिर उसको हिलाता है, इस तरह से कंडक्शन हीट का ट्रांसफर होता जाता है। उसी प्रकार से मेटल सिस्टम में जो होता है उसमें हीट का कंडक्शन, मेटेलिक में जो होता है उसको कंडक्शन बोलते हैं, जिसमें मेटल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वाइब्रेट करते हैं, फिर दूसरा वाला तीसरे को उसमें जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, फ्रॉम वन हीट प्लेस से भागते हैं दूसरे
ठंडे की तरफ जाते हैं और जहां जाते हैं उसको भी गर्म कर देते हैं। तो इसमें इतने ज्यादा माइक्रोस्कोपिक एयर बबल होते हैं कि उस एयर में जो हवा होती है वो हवा हिल नहीं पाता है। जब हिल नहीं पाता है तो उसका हवा का जो कंडक्शन होता है, जो हीट का जो कंडक्शन होता है, वो ट्रांसफर नहीं कर सकता। कहने का तात्पर्य ये। और हम आपको बताते हैं कि न सिर्फ हीट बल्कि ये कोल्ड को भी ट्रांसफर बहुत ही जो भी कोल्ड का स्टोरेज होता है उसको भी एक नॉन कंडक्शन होता है वही कोल्ड का भी। उदाहरण के लिए अन्य इधर मत आओ बड़ी, अभी हमने सिलिका लिखा रखा है, बेटर टू स्टे फ्रॉम मी, या यू कैन ड्रिंक वाटर एंड गो अवे। ओके, तो मैं क्या कर रहा था, हाँ, तो जब भी एरोस्पेस में जानते हैं दो प्रकार की गैस उनको ले जाना बहुत जरूरी होता है, एक होता है ऑक्सीजन, एक होता है हाइड्रोजन। दोनों को कंबिनेशन से वहां पे गैस चलाए जाते हैं और ऑक्सीजन आप जानते हैं उनको रेस्पिरेशन और सांस लेने के लिए भी आवश्यकता पड़ती है। तो ऑक्सीजन को लिक्विड स्टोर करने के लिए लिक्विड फॉर्म में ले जाते हैं, उसका टेम्परेचर लगभग 180 के आसपास होता है, -180°C। और हाइड्रोजन को 250 से ज़्यादा -250°C का होता है जो टैंक होता है। अब वो जो टैंक होते हैं और जो पाइप होते हैं उस पाइप को और टैंक को स्टोरेज करने के लिए इसी सीट का इस्तेमाल किया जाता है। तो चूंकि ये ज्वलनशील नहीं होता है और हीट का कंडक्शन नहीं के बराबर होता है, इस वजह से इसी सीट को पूरे स्पेस के चारों तरफ के उसके दीवार में इसको टाइल्स बोलते हैं। जैसे घर में बनाते समय ईंट का इस्तेमाल किया जाता है, उसी प्रकार से इसी के टाइल्स को इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, इसको बोलते हैं पायरोजेल टाइल्स। तो अब जैसे कि आप ये भी जानते हो, मैंने एक दो लाया था, मैं आपको दिखाना भूल गया, जैसे कि मेटल होता है इसमें हीट कंडक्शन बहुत ज्यादा होती है, एक तरफ गर्म करेंगे तो दूसरा तरफ भी गर्म हो जाएगा। लेकिन अब प्रश्न ये है कि लकड़ी में ऐसा नहीं होता, लकड़ी में हीट का कंडक्शन नहीं होता, आप यहाँ गर्म करेंगे तो यहाँ गर्म नहीं होगा। लेकिन आप लकड़ी को इस्तेमाल स्पेस सेटेलाइट में नहीं यूज कर सकते क्योंकि इसको मोल्ड फोल्ड नहीं कर सकते, बल्कि आप इसको आसानी से कर सकते हैं। अब बात आती है कि इसको बनाते कैसे हैं, बनाने के लिए तो मैं अभी आपको बना के दिखा नहीं पाऊंगा, ठीक है, लेकिन जो है मैं आपको हल्का सा आइडिया दे सकता हूँ, ठीक है। एरोजेल क्या होता है कि एक प्रकार का जेल है जो कि ये हाइड्रोफोबिक होता है, मतलब हाइड्रोफोबिक मतलब ये पानी में डिजॉल्व नहीं होता है, ठीक है, जब पानी में डिजॉल्व नहीं होता है आप ओ माय गॉड, ये तो देख भी नहीं रहा, ब्लैक बैकग्राउंड में चाहिए। पूरे तुम्हारे पास कोई ब्लैक पेपर है, ब्लैक पेपर इसमें निकाल, पेपर जो ब्लैक, अब वन एक्सपेक्ट, तो ये है पायरो जेल जो ऐसा दिखता है, ठीक है। अब इस जेल को क्या करते हैं, इसमें मिलाते हैं पानी, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब पानी में घुलता नहीं है, हाइड्रोफोबिक है, तो पानी क्यों मिला रहे हैं, ठीक है, इसमें है लेकिन आपको दिख नहीं रहा होगा। तो पानी इसलिए मिलाते हैं, पानी मिलाने के बाद इसमें मिलाते हैं फाइबर, फाइबर किस चीज का फाइबर, नैनो रेंज का फाइबर जो बहुत ही पतले पतले छोटे छोटे होते हैं, वो जो है पानी में डिजॉल्व होता है, पानी में। अब जैसे कि आप देख सकते हैं इस वाले में ये जो छोटे छोटे ये देखे फाइबर दिख रहा होगा आपको, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, ये फाइबर इसमें मिला देते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने इसको मिला दिया और इसमें डालते हैं पानी, ये देखिए ये मैंने पानी मिला दिया, और इसका हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे आपको, इसलिए मैंने अलग से बना के रखा हुआ है। और इस तरह से बहुत मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में बनाते हैं, फिर इसको सुखा देते हैं, तो आपको आपको इस तरह से एक सीट तैयार हो जाएगा। इसको बनाने का जो खर्च है बहुत सस्ता आता है क्योंकि मामूली सिलिकन फाइबर से बनता है और सिलिका बहुत सस्ता है मार्केट में, ठीक है। अब एक दो एक्सपेरिमेंट करते हैं, सबसे पहले हम कोल्ड का एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। कोल्ड का इस्तेमाल करने के लिए हम लाए हैं ड्राई आइस, ठीक है, और ड्राई आइस का जो टेम्परेचर होता है -80°C होता है, ठीक है। कितना होता है, -80°C के आसपास होता है, ठीक है, और आप इसको हाथ से छू नहीं सकते, ठीक है, और कभी छूएगा भी नहीं क्योंकि आपके हाथ को जला देगा, इतना ज्यादा ठंडा होता है। को रखेंगे ऊपर और इसको आप नीचे से हाथ लगा सकते हैं, तो ये आपका हाथ कभी नहीं ठंडा होगा, चाहे आप पूरा ये उड़ जाए, लेकिन ये जो है कभी आपको हाथ पे ठंडा नहीं पहुंचाएगा, नेवर, क्योंकि ये जो है इसका जो ये थर्मल रेजिस्टेंट है, न सिर्फ हीट का बल्कि कोल्ड रेजिस्टेंट भी है, ठीक है। इस तरह से आप इसको पकड़ सकते हैं, वो इसे छूने के लिए आप जो है
एक सेकंड से ज्यादा इसको छू नहीं सकते, आपका हाथ जल जाएगा। देखिए ओ माय गॉड, इसमें मेरा हाथ बहुत ठंडा है, ठीक है, ऑलरेडी ठंडा हो गया। इसको ऐसे दिखाओ, देखिए इसमें है कि नहीं। ये हमारे पास थर्मामीटर है, देखो 22 से सीधा गया 13, 11, 8, 6, 2, 0, -1, -2। और देखो मैं हाथ से पकड़ भी नहीं पा रहा हूँ, तो मैं थोड़ा दूर पकड़ता हूँ क्योंकि मैं शायद देर तक पकड़ नहीं पाऊंगा। उड़िया जरा आइए इधर आना, क्योंकि इसका लिमिट है इस थर्मामीटर का, ज़्यादा अंदर नहीं जा सकता, लेकिन -33 मैं देख सकता हूँ। देखो जरा -33 ऐसे देख सकते हैं कि नीचे मैंने हाथ लगा रखा है और कब से रखा हुआ है आप देख सकते हैं, लेकिन अभी तक मेरे हाथ में जरा सा भी कोल्ड नहीं आया है। मैं यहाँ से थर्मामीटर लगा रखा हूँ, ये जो है बल्कि ये बढ़ ही रहा है घटने के बजाय, क्योंकि मैंने अपना नीचे से हाथ लगा रखा है ना, तो मेरे शरीर का टेम्परेचर 37 है, इस तरह से बढ़ ही रहा है। इसका जो टेम्परेचर है एक तरह से कांस्टेंट है, हिल नहीं रहा, जबकि मैंने बहुत देर से रखा हुआ है इसको, ठीक है, 25-24 जो घर का टेम्परेचर है वही बता रहा है ये, ठीक है। अब हम इसको जला के भी दिखा देते हैं आपको, करेंगे ये जो है ज्वलनशील भी नहीं होता है, जलता भी नहीं है, आप देख सकते हैं काला हो जाएगा। ये तो कुछ भी नहीं है, और मैं तो एक टॉर्च खरीदने वाला था जिसका टेम्परेचर जो है 1000 सेंटीग्रेड के आसपास था, उसको अगर इस्तेमाल करता मैं तो भी ना जलता ये। मैं तो बच्चों के सेफ्टी बजट में लाया नहीं यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा रिस्की रहता है जिस घर में बच्चे हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये जलेगा भी नहीं, ठीक है, काला कर दिया है क्योंकि उसमें धुआं कार्बन निकल रहा है, लेकिन ये इसको जला नहीं सकता है। बुढ़िया रहे तो यहाँ आना जरा, जहाँ चला रहा हूँ इसके ऊपर उंगली रखो, अगर तुम्हें गर्म लगे तो बता दूंगा। तो देखिए मैंने कब से लगा रखा हूँ इसे, और उंगली रखो, तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये जो है थर्मल नॉन कंडक्टर है 100%, किसी भी तरीके से हीट को जो है ट्रांसफर नहीं कर पा रहा है ये इस पार से उस पार तक, ठीक है। ये हो गया आपका थर्मल कंडक्टेंस का एक्सपेरिमेंट। ओके, हम आपको दूसरा एक्सपेरिमेंट करके दिखाने जा रहे हैं कि जिसको हीट का जो ट्रांसफर होता है वो इसमें होता है, और वर्सेस हमने जो है एक कार्डबोर्ड ले रखा है जो 3 लेयर का है, और इसकी मोटाई लगभग इसकी मोटाई के आसपास बराबर है। तो मैं दोनों में आपको करके दिखाता हूँ कि हीट का कंडक्शन किस में हो रहा है ज़्यादा, ठीक है। तो इसके लिए हमने हीटर ऑन कर रखा है नीचे, इसके ऊपर मैंने इधर ये रखा हुआ है, इधर मैंने अपना पायरोजेल रखा हुआ है, ठीक है। ओके, तो हम इसको समझने के लिए हमने जो है हीटर पहले से ऑन कर रखा हुआ, बहुत तेज गर्म है, लौ लग रहा है मेरे चेहरे पे, ठीक है। तो हमने जो है एक इधर रख दिया है शीट, एक इधर रख दिया है शीट, एक इधर चॉकलेट और एक इधर चॉकलेट, ठीक है। और हमको रखते हुए अभी 3-4 सेकेंड हुए हैं, और आप देख सकते हैं इसका कलर पिघलना शुरू हो गया है। इधर देखिए अभी तक कोई चेंज नहीं आया है, वो आएगा भी नहीं इधर, ठीक है, है कि नहीं। ये देखिए ये पिघलना शुरू हो गया है, ये देखिए चॉकलेट आ गया हाथ में, ये देखिए इसको जो है पिघलना ही नहीं। तो इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि जो पायरोजेल है इसका हीट का कंडक्शन जो है लगभग ना के बराबर है, ठीक है, देख रहे हैं। ओके, तो कैसा लगा हमारा आज का वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। और हम आपको जो है अभी हम आपको इसकी कहानी बताना भूल गए हैं, क्या बोलते हैं पायरो आयरोजेल, ठीक है, आयरोजेल अभी इसकी कहानी हम आपको बाद में बताएंगे। तो कैसा लगा हमारा आज का ये वीडियो, अगले वीडियो हम आपको बताने वाले हैं इसके बारे में, जो कि हमने इसको चॉकलेट लगा के गंदा कर दिया है, ठीक है, आयरोजेल के बारे में कि हम इसको बनाएंगे कैसे, और प्लस हम आपको बहुत ढेर सारी स्पेस का 2 वीडियो हमारे पास और है उसके बारे में भी बताएंगे, ठीक है। और आप देख सकते हैं वीडियो खत्म करने से पहले आप इसकी स्थिति देख लीजिए, ये देखिए कचूमर निकल गया इसका, और ये जो है अभी मैदान में घूम रहा है, ठीक है।